Good morning, my little chums. In this video, I'm going to start a new lesson, that is of English junction. Okay? So let's begin. Chapter 1. Why Meena could not sleep. तो चलो अब बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अब बचपन में क्या होता है, जब हम बहुत ही छोटे होते हैं ना, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई गलती करते हैं और फिर हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स से डरते हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को हमारी उस गलती का पता ही ना चले। फिर हम क्या करते हैं, डर जाते हैं और फिर कभी कभी हम जाके खुद ही बता देते हैं, है ना। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर मीना के साथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। One night, Meena could not sleep. तो एक रात मीना सो नहीं पाती है, ठीक है। She sat up in bed and looked out of the window. फिर वो क्या करती है, अपने बेड पर ही बैठ जाती है। जब हम सो रहे होते हैं पर हमें नींद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, बेड पर वापस बैठ जाते हैं। मीना ने भी वही किया। फिर वो क्या करती है, विंडो के बाहर देखती है। She looked out of the window. जैसे ही वो विंडो के बाहर देखती है तो क्या होता है, She could see the moon. तब वो मून को देख सकती थी, ठीक है, उसे बाहर मून दिख रहा था। इट लुक लाइक द मून वॉज लाफिंग एट हर। अब उसे लग रहा था कि मून उस पर हंस रहा है, उसे लग रहा था कि चंदा मामा उस पर हंस रहा है। डोंट लुक एट मी लाइक दैट मून, अब वो मून को कहती है, मुझे ऐसे मत देखो। यू डोंट नो वट रियली हैपन टूडे बिकॉज इट वॉज इन द मॉर्निंग। तुम्हें नहीं पता आज क्या हुआ, क्योंकि तब तो सुबह थी, तुम नहीं थे, तो तुम मुझ पर मत हंसो। शी ट्राइड टू गो बैक टू स्लीप। फिर वो क्या करती है, वापस सोने की ट्राई करती है। द क्लॉक वेंट टिक टॉक टिक टॉक। अब क्या होता है, क्लॉक की आवाज़ आती है, टिक टॉक टिक टॉक। ओके, तो मीना थॉट द क्लॉक वॉज सेइंग आई नो आई नो। अब मीना को क्या लगता है कि क्लॉक कह रहा है आई नो, मुझे पता है। नो यू डोंट नो, मीना सेड। अब मीना कहती है, नहीं तुम्हें भी नहीं पता। यू वर हियर इन माई रूम, यू वर नॉट इन द किचन डाउन स्टेयर्स। तो मीना कहती है, नहीं तुम्हें भी नहीं पता, तुम तो यहीं थे मेरे रूम में, तुम किचन में थोड़ी ना थे। अब उनका किचन कहाँ है, डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे के फ्लोर पे होगा, है ना। तो वो कह रही है कि किचन तो नीचे है, जो भी हुआ वहाँ पे हुआ, तुम तो यहाँ मेरे रूम में थे, तो तुम्हें कैसे पता। मीनास वॉइस वोक अप द पैरट। अब मीना के इतने सारे आवाज़ ने पैरट को भी जगा दिया, ठीक है, तो पैरट उठ गए। ही लिफ्टेड हिज हैड फ्रॉम अंडर हिज विंग्स एंड कॉल्ड आउट। मीना थॉट ही सेड आई नो। तो अब पैरट ने क्या किया, ही लिफ्टेड हिज हैड, यानी उसने क्या किया, अपने विंग्स में से, यानी उसके जो पंख होते हैं ना पैरट के, पंख के नीचे से उसने अपना सर निकाला और फिर उसने चिल्लाया। तो मीना को लगता है कि वो भी बोल रहा है, आई नो मुझे पता है। यू नॉटी पैरट, शरारती पैरट, ये मीना ने बोला। यू नॉटी पैरट, यू वर इन ग्रैंड मदर्स रूम, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम तो दादी माँ के रूम में थे, तो तुम्हें कैसे पता, तुम्हें भी कुछ नहीं पता। मीना कुड नॉट गो बैक टू स्लीप। अब मीना तो दोबारा सोनी नहीं जा पाई थी। ओ आई विश आई हैड नॉट डन इट, She said sadly. अब वो बहुत ही उदास हो जाती है और बोलती है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। Soon there came the soft sound of four little feet. Soon यानी जल्द ही क्या हुआ, soft sound आई, बहुत ही धीमी सी आवाज आई। किसकी थी वो आवाज, तो वो four little feet, छोटे छोटे चार पाँव की आवाज आई, ठीक है, feet की soft सी sound आई। किटी जम्प्ड ऑन टू द बेड। फिर किटी ने जंप किया बेड पे एंड किस्ड मीनास चीक। फिर उसने मीना के चीक पे किस किया, यानी मीना के गाल पर किस किया। यस यू डू नो किटी, सेड मीना। अब मीना कहती है, हाँ तुम्हें पता है किटी। शी स्टार्टेड क्राइंग सॉफ्टली, और उसने सॉफ्टली यानी धीरे धीरे उसने रोना स्टार्ट किया। शी वॉन्टेड टू सी हर मदर, और वो अपनी मम्मा को देखना चाहती थी। ओके सो शी रैन टू मदर्स रूम। अब उसे रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का, उसे नहीं अच्छा लग रहा था, ना वो सो पा रही थी,
उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे टोक रहा है, और उसे लग रहा था कि हर किसी को पता है, ठीक है, मतलब हर कोई ऐसा कह रहा है मुझे पता है मुझे पता है। वो सबको एक्सक्यूजेस दे रही थी, नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम वहाँ नहीं थे। वो बहुत ही रियलाइज़ कर रही थी कि उसने मिस्टेक की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो मम्मा को देखना चाहती थी, इसलिए वो मम्मी के रूम में दौड़ के चली गई। आई एम सॉरी माँ, आई वॉज वेरी नॉटी टूडे, शी सेड। आई अटप द केक दैट वॉज ऑन द प्लेट एंड देन आई शट किटी इन द किचन टू मेक यू थिंक शी डिड इट। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज बहुत शरारती थी, शी सेड, उसने बोला, मीना ने मम्मी को बोला। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शरारती थी। आई एट अप द केक दैट वॉज ऑन द प्लेट, जो प्लेट में केक था वो मैंने खाया था। एंड देन आई शट किटी इन द किचन टू मेक यू थिंक शी डिड इट, फिर मैंने किटी को किचन में ही शट कर दिया, बंद कर दिया, ताकि आपको लगे कि उसने किया है। देन मदर सेड, आई एम हैप्पी यू टोल्ड मी मीना, बट आई न्यू दैट यू हैड ईटन द केक। फिर मम्मी कहती है, मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुमने मुझे बता दिया मीना, पर मैं जानती थी कि केक तुमने खाया है। बट मदर आस्क्ड मीना, हाउ डिड यू नो इट वॉजंट किटी, लेकिन माँ आपको कैसे पता कि वो किटी नहीं थी। बिकॉज किटी वुड नेवर लीव अ स्पून ऑन द प्लेट, रिप्लाइड मदर स्माइलिंग। फिर मम्मी ने हंसकर उसको रिप्लाई दिया कि किटी कभी भी प्लेट में चम्मच नहीं छोड़ती, इसीलिए मुझे पता चल गया कि वो तुम थी, किटी नहीं थी। सो कैसा लगा चैप्टर आपको? अब एक क्विक रिवीजन हो जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रात क्या हुआ, मीना सो नहीं पाई थी, तो वो अपने बेड पर बैठ गई, उठकर बैठ गई और बाहर विंडो के बाहर देखने लगी। फिर उसे वहाँ पर मून दिखता है और ऐसा लग रहा है उसको जैसे मून उस पर हंस रहा है, ठीक है। तो वो मून को कहती है, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त तो सुबह थी। फिर वो वापस सोने की ट्राई करती है, तब उसे क्लॉक की आवाज़ आती है, टिक टॉक टिक टॉक। फिर उसे लगता है जैसे क्लॉक भी कह रहा है, मुझे पता है मुझे पता है। तब वो क्लॉक को भी बोलती है, नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम तो यहाँ थे मेरे रूम में, तुम किचन में थोड़ी ना थे, तुम नीचे किचन में नहीं थे। फिर मीना की आवाज़ से पैरट चिढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर पैरट क्या करते हैं, वो अपनी विंग्स में से अपने सर को निकालते हैं और चिल्लाते हैं, ठीक है। तो मीना को लगता है जैसे वो भी कह रहा है, आई नो मुझे पता है। तो मीना उसे भी कहती है, शरारती पैरट, तुम तो ग्रैंड मदर के रूम में थे, तुम्हें नहीं पता। फिर मीना सो नहीं पाती, फिर वो मन ही मन उदास हो जाती है और वो कहती है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। फिर जल्द ही क्या होता है, सॉफ्ट सी साउंड आती है, धीमी सी आवाज़ आती है, छोटे छोटे चार पाँव की, ठीक है। अब वो चार पाँव किसके होते हैं, बिल्ली के, कैट के, ठीक है। तो किटी जंप करती है बेड पे और मीना के चीक पे यानी उसके गाल पे किस करती है। हाँ तुम्हें पता है किटी, फिर मीना बोलती है, हाँ तुम्हें पता है। और वो धीरे धीरे रोने लगती है, वो अपनी मम्मी को देखना चाहती है, इसलिए वो भागकर अपनी मम्मी के रूम में चली जाती है। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं बहुत शरारती हो गई थी, फिर मीना कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शरारती थी, मैंने केक मैंने खाया था, जो प्लेट में था वो केक मैंने खाया था, और फिर मैंने किटी को किचन में बंद कर दिया था ताकि आपको लगे कि वो उसने किया है। फिर मम्मी उससे कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे बता दिया मीना, पर मुझे पहले ही पता था कि केक तुमने खाया है। फिर मीना पूछती है, पर मम्मा आपको कैसे पता चला कि वो किटी नहीं थी। तो मम्मी उसे हंसकर जवाब देती है, क्योंकि किटी कभी भी प्लेट में स्पून नहीं छोड़ती।